हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और आज का थाने का वेदर बहुत क्लाउडी है और ह्यूमिड, बहुत ह्यूमिड है यहाँ पे। और आज सुबह मैंने मेरे हस्बैंड के लिए लंच के डब्बे में एक सब्जी बनाया है, आप लोग से शेयर करूंगी। वो ज्यादा कुछ सब्जी खाते नहीं है, पसंद नहीं है उनका, गिने चुने ही सब्जी खाते हैं और मैं वो आपसे को शेयर करूंगी। शेयर करने से पहले मैं मेरी पहली रसोई का स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। शादी के पहले मुझे कुछ भी खाना बनाना नहीं आता था। एक्चुअली मैं 10th के बाद हॉस्टल चली गई थी और 5 साल हॉस्टल में ही गुजारा है। और फिर 92 में मेरी शादी हो गई, तुरंत ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही मेरी शादी हो गई, तो इसीलिए सीखने का मौका मम्मी से कुछ नहीं मिला मुझे। तो मेरा जैसे ही शादी के बाद मैं कोलकाता के घर में आई तो उधर मेरे लिए कोयले का चूल्हा और केरोसिन का स्टोव इंतजार कर रहा था। मेरे हस्बैंड को भी खाना बनाना नहीं आता था शादी के पहले, और अभी भी उनको कुछ भी खाना बनाना नहीं आता है, बस अभी थोड़ा ऑमलेट बनाना सीख गए हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड कोल के घर में तब अकेले ही रहते थे, तब मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ तब तक आए नहीं थे। मेरी शादी के 1 साल बाद ही उन लोग फिर कोल के घर में आ गए, रिटायरमेंट के बाद, मेरे फादर इन लॉ के रिटायरमेंट के बाद। तो तब मेरे हस्बैंड घर में तो कुकिंग नहीं करते थे, बाहर ही खाते थे, इसीलिए गैस का तो जुगाड़ नहीं था। तो मैंने किसी तरह वो कुछ मंथ्स गैस का बंदोबस्त होने के पहले मैंने कुछ मंथ्स जो केरोसिन का स्टोव और कोयले के चूल्हे में खाना बनाया था। तो वो भी लकीली वो खाना भी खा के लोगों को पसंद आया, थैंक गॉड। मेरी पहली रसोई की स्टोरी है। अब आपसे मैं सुबह का रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैंने बनाया अपने हस्बैंड के डब्बे में। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें मस्टर्ड सीड्स, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स डाला है और करी लीव्स भी साथ में आप दीजिए अगर आपके पास है तो। मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। और मैंने छोटे छोटे बैंगन लिए हैं, उसके डंडी काट दिए हैं और बीच से एक स्लिट लगा के चेक कर लिया है और सारे बैंगन को डाल के ऑयल में आप एकदम स्लो में फ्राई कर लीजिएगा। मैंने इधर 15-16 बैंगन लिए हैं, फिर आप उसको ढक दीजिए और 5-6 मिनट्स के लिए से रहने दीजिए। और फिर एक अलग पैन में आप ड्राई रोस्ट मसाला 3/4 कप मैंने ग्राउंडनट सीड्स लिए हैं, वो आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। और ये बीच बीच में आप, और इधर आप चेक भी करते रहिए आपका बैंगन सही से हो रहा है क्या, ढक दीजिए। ये ग्राउंडनट सीड्स ड्राई रोस्ट करने के बाद हम 2 बड़े चम्मच खसखस, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 लाल मिर्च पाउडर मैंने इसको भी इसके साथ मैं ड्राई रोस्ट कर दूंगी और फिर इसका एक पाउडर बना लेंगे विदाउट एडिंग एनी वाटर। इसको अच्छा से भून लेंगे सूखे में, फिर इसका पाउडर बना के और फिर ये बैंगन अभी जो फ्राई हो रहा है उसमें हम लोग ये डाल के थोड़ा पानी से डाल देंगे और इतना पानी डालेंगे कि बैंगन थोड़ा सा और नरम हो सके।
और फ्रेंड्स बैंगन जब आप मस्टर्ड सीड डाला आपने बैंगन डालने से पहले, उसमें अगर आपके पास करी पत्ता हो तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है करी पत्ता तो मैंने ये डाला, इसका फ्लेवर और भी अच्छा होता है। ये अच्छा से मैं अभी ये करके फिर इसका एक मिक्सी में पाउडर बना के इसमें डालूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर यूज कर रही हूँ और ये मैंने जो ड्राई रोस्ट किया है वो मसाला इसमें डाल रही हूँ और फिर इसमें आप 2 कप ऐसा पानी डाल दीजिए कि जितना ये थोड़ा सा और नरम होने में टाइम लगे तो, और फिर ढक के रख दीजिए। ये ड्राई बैंगन का मैं मेरे हस्बैंड के डब्बे के लिए बना रही हूँ, वो उनको ऐसा बैंगन इस तरीके से बना के देने से वो रोटी के साथ खा लेते हैं। और 1 चम्मच छोटी चम्मच नमक दे रही हूँ, नमक आपके स्वाद के अनुसार ही आप डालिएगा। फ्रेंड्स मैं बैंगन को अभी ढक के रखी थी 6-7 मिनट्स, तो ये थोड़ा और होने बाकी है, कुछ कुछ दल गए हैं, कुछ कुछ और थोड़े टाइम और देना है। थोड़ा सा मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल रही हूँ और मैं छोटी चम्मच 1 चम्मच मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। फिर थोड़ा सा आप अच्छा से मिक्स कर लीजिए, फिर आप इसको ढक दीजिए। मेरे ये बैंगन का करी बन के रेडी है। अब आप लोगों को अगर इससे और ज्यादा ड्राई चाहिए तो आप थोड़ा और ड्राई कर लीजिए, बट मैं ऐसे ही रखना पसंद करती हूँ। ये रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, सूखी सब्जी डब्बे में भी मेरे को इजी रहता है मेरे हस्बैंड को देना, तो इसीलिए मैंने आज ये बनाया सुबह। 2 hours later लोग बंगाली हैं और मेरे सन इन लॉ उन लोग मराठी हैं, तो उन लोग वट सावित्री का पूजा मनाते हैं। मेरी बड़ी बेटी रुचिता अपने ससुराल में कल फर्स्ट वट सावित्री की पूजा की थी अपने मदर इन लॉ और सोसाइटी के बाकी लेडीज लोगों के साथ, तो मैं वो आपको शेयर करूंगी फोटोज उसका। ये फरवरी में, कल भी मैंने बोला था उसका फरवरी में, जस्ट ये फरवरी में शादी हुआ है, तो उसका ससुराल नवी मुंबई में है, उसके हस्बैंड का फ्लैट है नवी मुंबई में, उन लोग उधर ही रहते हैं। लॉकडाउन के चलते मैं मेरी बेटी से 2 महीने नहीं मिल पाए थे हम लोग, क्योंकि उन लोग नवी मुंबई में हैं तो आ नहीं पा रहे थे, बहुत रेस्ट्रिक्शंस था। तो अभी इस महीने ही वो हम लोग के साथ कुछ दिन रह के गई है।
बट फिर से मुझे टेंशन होने लग गया कि बोल रहे हैं फिर से लॉकडाउन करेंगे, लेट्स सी। होप आप सबको मेरे आज के किस्से अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।